क्या हो जब एक टीचर ही मर्डरर बन जाए। बस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आज मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है वध। अब भाई अगर पहली चीज अगर इस मूवी के बारे में बताऊं मैं तो भाई देख के मजा आया, पर ये मूवी शायद अंडररेटेड ही रह जाएगी। है तो भाई दृश्यम की टक्कर की मूवी, पर इस मूवी के शो ही नहीं यार। भाई मैं इंदौर में रहता हूँ, इंदौर जैसी जगह में सिर्फ दो ही थिएटर में ये मूवी लगी है और उसमें भी सिर्फ एक या दो शो है। मतलब यार अच्छी मूवी आती है तो तुम लोग मूवी को रिलीज नहीं करते। अब क्या बोले, अब भगा उन सब बातों को छोड़ो, बात करते हैं मूवी की। तो पहले तो थोड़ी स्टोरी बताता हूँ तुमको मैं क्या है क्या नहीं मूवी है। मूवी की जो कहानी है, ग्वालियर में दो पति पत्नी रहते हैं, संजय मिश्रा और नीना गुप्ता। संजय मिश्रा जो है इसमें वो एक टीचर का कैरेक्टर कर रहे हैं, उनका एक बेटा है। अब वो बेटा जिद पकड़ता है कि मुझे जाना है, बाहर जाना है, पढ़ने जाना है, वहाँ सेटल होना है। अब बेचारा बाप क्या करे, वो कैसे कैसे करके पैसे जुगाड़ता है। अब ऐसा नहीं है, बच्चा जाता भी है, सेटल भी हो जाता है, पर अब बात आती है पैसे वापस देने की। तो बच्चा पूरा एकदम बागबान वाला सीन चल रही है पूरी मूवी में, मुकर जाता है, बोले नहीं भैया काय के पैसे, क्या पैसे, मतलब बाप माँ को तो भी पूछता ही नहीं है, पैसा आ गए तो भाई फॉरेन में सेटल वेटल हो गए। बस यहीं से आ जाता है ट्विस्ट, क्योंकि पैसे देने जिससे पैसे लिए थे बहुत खतरनाक टाइप का बंदा रहता है, वो इनको तंग कर देता, एकदम लिमिट क्रॉस कर देता, रोज रोज घर में आके तंग करना, लड़कियों को लेके आ जाना घर में और टपा टप टपा टप टपा टप, बस यही सब चलता रहता है पूरी मूवी में, पूरा टॉर्चर वाला सीन चलता है। एक टाइम पे आके संजय मिश्रा मर्डर कर देते, हमने वध किया है, वध, हाँ मतलब वध वध, बस यही कहानी है। अब इसके आगे मैं तुमको बताऊं तो मैं नहीं बताऊंगा, पूरी मूवी स्पॉइल हो जाएगी, देखना ये मूवी में। पहले तो बात है कि मर्डर किया भी है कि नहीं किया है, और किया है तो कैसे बचता है, पूरी कहानियाँ वानियाँ कैसी बनाता है, मनोहर टाइप मनोहर कहानियाँ, यही पूरा इस मूवी में बताया गया है। यही है पूरी मूवी का ब्रीफ। अब बात करते हैं मूवी की अच्छी अच्छी चीज़ों की। पहला तो है संजय मिश्रा और नीना गुप्ता ने जो एक्टिंग करी है, जो पूरा एक कैरेक्टर जो घोल के पी गए ये लोग, वो देखने में बहुत मजा आता है। दूसरा है जो विलन का कैरेक्टर कर रहे हैं पांडे का, भाई तुमको लिटरली उससे नफरत हो जाएगी, जो एक्टर तुम्हें अपने से नफरत करवा दे उस एक्टर की एक्टिंग के क्या ही कहने। और तीसरा इस मूवी का डायरेक्शन, डायरेक्टर को तो पॉइंट देना पड़ेगा मूवी का, जो डायरेक्टर ने जो पूरा मूवी में एक नेचुरल फील दी है, एक लोअर मिडिल क्लास वाली एक फील आ जाती है पूरी देख के, थिएटर से अपने को फील होता है वो देख देख के। अब ये सब तो अच्छी बात है मूवी की। अब तुम बोलोगे कुछ तो बुरा होगा मूवी में, तो बुरा मूवी में है मूवी का क्लाइमेक्स। ये जो मूवी है गूज़बम्प्स वाला क्लाइमेक्स डिजर्व करती थी, पर इसे एकदम सिंपल टाइप का रखा है तो वहाँ थोड़ी मूवी की एक पकड़ ढीली हो जाती है। बस यही थोड़ा मूवी में एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है, बाकी तो मूवी बहुत बढ़िया है। अगर तुम्हारे यहाँ थिएटर में लगी हो तो जाके देख लो, हमारे इंदौर में तो बड़ी मुश्किल से एक दो ही शो लगे, बहुत कम ही ऐसी मूवी है जो थिएटर में रिलीज होती है, तो ज्यादातर मूवी इस टाइप की OTT पर रिलीज करते हैं आजकल। यही थी इस पूरी मूवी का रिव्यू। और हाँ, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई चैनल को, जब भी मैंने बैकग्राउंड लाल कर दिया। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।